तो अब इंतजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और कल के दिन यानी कि 16 जून को आदि पुरुष थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। लेकिन 700 करोड़ के मासिव बजट पर बनी ये आदि पुरुष मूवी क्या अपने बजट को रिकवर कर पाएगी या फिर ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित होगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में? वेल, आप अपना इस बारे में कुछ भी ओपिनियन रखो, उससे पहले मैं दो चीजें बता दूं। पहली, ये प्रभास की मूवी है और प्रभास इस जनरेशन के पहले पैन इंडिया स्टार हैं और इनका फैन बेस बहुत ह्यूज है, जिसने राधे श्याम जैसे मिड पिक्चर को भी 250 करोड़ का कलेक्शन करवा दिया था। और दूसरी बात ये कि आदि पुरुष रामायण का अडॉप्टेशन है, तो पिक्चर कैसी भी हो लेकिन लोग देखने जरूर जाएंगे, तो इस मूवी का फ्लॉप होने का सवाल किसी भी एंगल से उठता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 700 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको रिकवर नहीं कर पाएगी ये मूवी, तो मैं बस एक बात बता देता हूं, मूवी ने रिलीज होने के पहले ही 432 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है सिर्फ अपने थिएट्रिकल राइट्स को बेच के, जिसमें से 150 करोड़ का अमाउंट खाली तेलुगु स्टेट्स के लिए चार्ज किया गया था इस मूवी की थिएट्रिकल राइट्स को लेके। एंड इंडियन सिनेमा के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है जो कि किसी भी मूवी के थिएट्रिकल राइट्स को मिला हो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ये तो खाली हुए थिएट्रिकल राइट्स के पैसे जो कि टोटल होके आते हैं 432 करोड़ रुपए। इस पे तो अभी हमने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की ही नहीं, और एक्चुअली पिक्चर के रिलीज होने के 2-3 दिन पहले हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता तो नहीं सकते, लेकिन एडवांस बुकिंग हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है कि पिक्चर कैसा कमाई करने वाली है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मूवी ने ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस टिकट्स बेच लिए हैं एडवांस बुकिंग के थ्रू। एंड एक्चुअली में आदि पुरुष एडवांस बुकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जिस तरह आदि पुरुष एडवांस बुकिंग में परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से देख के तो ये लगता है कि मूवी अपने पहले दिन के अंदर हिंदी बेल्ट में 20 करोड़ नेट का कलेक्शन तो आराम से कर लेगी। अब दो बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये 20 करोड़ ऑल ओवर इंडिया का कलेक्शन नहीं है, ना ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, ये खाली हिंदी लैंग्वेज के अंदर का कलेक्शन है, वो भी नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट ऑलमोस्ट डबल या 1.5 टाइम्स होता है। अब अगर सोचो हिंदी बेल्ट का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ का बताया जा रहा है, तो सोचो हिंदी बेल्ट का ग्रॉस कलेक्शन कितना होगा। मेरे अकॉर्डिंग 35 से 40 करोड़ के बीच में। अब अगर ऑल ओवर इंडिया बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी 70 करोड़ प्लस का स्टार्ट लेगी। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो मूवी अपने डे वन पे 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन तो आराम से ही लेगी। एंड डे वन की बात, फिर कलेक्शन डिपेंड करेगा कि मूवी एक्चुअली में है कैसी। अगर मूवी वाकई में अच्छी है और देखने लायक है, तो फिर इसके कलेक्शन डे बाय डे और स्ट्रांग होते जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 2-3 वीक तक अच्छी पकड़ बना के रखेगी। लेकिन अगर मूवी वाकई में पैथेटिक है, जैसे कि टीजर और ट्रेलर में अपने को देखने को मिला, तो फिर शायद 2 या 3 दिन के बाद मूवी अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ने लगेगी। अब एक बार 2 या 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ जाए तो अपन इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मूवी कहां तक जाएगी। स्टिल अभी जैसे सिनेरियोस चल रहे हैं इस मूवी को लेके, मैं सेफली यही अज्यूम करूंगा कि 600 से 800 करोड़ के बीच का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है। और हाँ, ये सारी मेरी प्रेडिक्शंस हैं, कोई फिक्स्ड रिपोर्ट नहीं है कि भाई मूवी इतना ही कमाएगी। अभी जैसे सिनेरियोस चल रहे हैं मूवी को लेके, एडवांस बुकिंग में जैसा भी परफॉर्म कर रही है मूवी, उस हिसाब से मैंने कुछ प्रेडिक्शंस करी है। और अगर तो मूवी के थिएट्रिकल राइट्स वाले कलेक्शन यानी कि 432 करोड़ और मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि ऑलमोस्ट 600 से 700 करोड़ को मिला दो, तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाता है अराउंड 1000 से 1100 करोड़ के बीच में। एक मस्त बात बताऊं, ये जो मैंने 1000 से 1100 करोड़ टोटल बताया थिएट्रिकल राइट्स प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से मिनिमम अमाउंट है जो कि मूवी कम से कम बुरी हालत में इतना तो कमा ही लेगी। लेकिन अगर मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो होपफुली वो 1500 या फिर हो सकता है 2000 करोड़ तक भी चली जाए। एंड ये मूवी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, उतना ही ज्यादा महंगे इसके ओटीटी राइट्स बिकेंगी। और अगर तुम उस ओटीटी राइट्स वाले पैसे को भी मिला लोगे, तो मूवी अपने बजट का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट इजिली कवर कर लेगी। एंड लास्ट ईयर IRRR मूवी ने सिर्फ अपने थिएट्रिकल और ओटीटी राइट्स बेच के ही टोटल 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और अपने रिलीज होने के पहले ही अपने बजट का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट क्लियर कर लिया था। और फिर रिलीज होने के बाद 1200 से 1300 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया वो ऊपर से। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आदि पुरुष मूवी का फ्लॉप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर, यही था एक छोटा सा वीडियो आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।